नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ, न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कॉमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें फीडबैक देते हो, हमें कॉल करते हो, आप स्वस्थ हो जाते हो तो हमें अच्छा लगता है, हमें नई नई वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप सभी लोगों को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग इतनी वीडियो देखते हो तभी हमें बनाने की मजा आती है। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, वीडियो का नाम है 24 आवर्स फूड मैनेजमेंट। तो आपके पास भी 24 घंटे हैं और मेरे पास भी 24 घंटे हैं और हमारे राष्ट्रपति हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। वो पूरे दिन का मैनेजमेंट, वो पूरे भारत को चला रहे हैं और हम सिर्फ घर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें टाइम कम पड़ता है। जिसको भी देखे तो वो बोलते हैं मैं तो बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसे सब बातें करते रहते हैं। तो ये जो है वो फूड मैनेजमेंट है, मतलब कि हम आहार क्या खाते हैं। हम जो आहार के बारे में बताते हैं वो हमेशा मेरी सभी वीडियो में एक ही बात बताती हूँ कि रॉ डाइट लेना है, रॉ वेगन फूड खाना है। तो रॉ वेगन डाइट खाने से बहुत सारे फायदे हैं, हजारों फायदे हैं, लाखों फायदे हैं, करोड़ों फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ आप दुबले पतले लगते हो लेकिन तंदुरुस्त हो, इतना आपको देखना है कि बाहर का रूप है वो तो आज है कल नहीं है, लेकिन हमारी अंतर आत्मा है वो हमेशा खुश होनी चाहिए। हमारी जो आत्मा है उसको हमें खुशी देनी चाहिए, उसको हमें सही भोजन देना है। ये जो शरीर है वो हमारा पंच महाभूत तत्व से बना हुआ है, तो इसको हमें पंच महाभूत देने हैं, नहीं कि पिज्जा पास्ता रोटी सब्जी या खिचड़ी देनी है। तो 24 आवर्स का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो 24 आवर्स के लिए मैंने 3 पार्ट किए हैं। तो 8 आवर्स का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है 8 आवर्स का और तीसरा पार्ट है 8 आवर्स का। तो तीनों मिला के हमारे पास 24 घंटे हैं। तो ये 24 घंटे हम कैसे खाएं, क्या करें, ऑफिस में है, घर में है, नाइट ड्यूटी करते हैं, डे में ड्यूटी करते हैं, स्कूल जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, जॉब जाते हैं, टीचर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, लेकिन हम हमारा पेट साथ में लेके घूमते हैं। तो 24 आवर्स कैसे मैनेज करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें जो सुबह में उठते हैं वहां से 8 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, मतलब कि निर्जला फास्टिंग करना है। तो सुबह में उठने के बाद 8 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना है। ये जो डाइट है वो इतना सात्विक डाइट हमने बताया आपको कि इतना ओरिजिनल डाइट है कि हजारों साल पहले ऋषि मुनियों, हमारे महात्मा, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी, हमारे महात्मा, वो सब यही भोजन के मुताबिक डाइट करते थे और वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते थे। तो सुबह में उठने के बाद 8 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है और 8 घंटे जब भी दोपहर में आ जाती है तभी से लेके रात को सोते हैं तब तक 8 घंटा, उसमें हमें लंच ब्रेकफास्ट करना है, उसमें हमें लंच करना है, उसमें हमें स्नैक लेना है और उसमें ही हमें डिनर करना है। तो 8 आवर्स हमारे पास है, उसमें हम सब कुछ खाना है, सब कुछ पीना है और जो भी खाना पीना है वो कर लेना है। अभी तीसरे जो 8 घंटे बच गए उसमें क्या करना है, तो डिनर के बाद 8 घंटे जो स्टार्ट होते हैं, तो हम कितने बजे डिनर लेते हैं वो आपको डिसाइड करना है। कोई लोग 6 बजे करते हैं, कई लोग 8 बजे करते हैं, कई लोग 10 बजे करते हैं, लेकिन डिनर के बाद 8 घंटे तक पेट में कुछ भी नहीं डालना है। मतलब वैसे तो हम 1-2 घंटे के बाद सो ही जाते हैं, पानी पीना हो खाने के बाद, डिनर के बाद पानी पीना हो तो पी सकते हो रात को सोते हो तब तक, लेकिन सोते वक्त तो कोई नहीं खाता है, नींद में कौन खाता है, दिन में तो सब कोई खाते हैं। तो रात को सो जाते हैं 11 बजे या 12 बजे तब से लेके सुबह में उठते हैं तब तक कुछ भी नहीं पेट में डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली फास्टिंग हो गई। तो ये जो फास्टिंग है वो दरमियान हमारा जो शरीर है वो बहुत काम करता है, जैसे हमारे हार्ट काम करते हैं, लंग्स काम करता है, हमारा दिमाग काम करता रहता है, सोचता रहता है,
हमारे जो लीवर है वो खाना पचाने का काम करता है, हमारा किडनी काम करती है, पूरी जो बॉडी की सिस्टम होती है, रेस्पिरेटरी की सिस्टम होती है वो हमारी चालू रहती है। तो ये सारी सिस्टम चालू है, लेकिन हम सिर्फ सो जाते हैं, मतलब कि बॉडी सोती है, अंदर सब काम चालू रहता है। तो रात को तो कोई खाता नहीं है, सुबह में भी 8 घंटे के बाद कुछ नहीं, 8 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। लेकिन जो 8 घंटे बीच का जो टाइम है, पहले का 8 घंटा ब्लॉक, लास्ट का 8 घंटा ब्लॉक और बीच का जो 8 घंटा है, उसमें हमें आज़ादी मिली है खाने पीने की। तो इसमें हमें ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट में ग्रीन जूस लेना है, फिर लंच करना है भूख लगे तभी, ऐसा नहीं है कि कब करना है, तुरंत जूस के साथ भूख लगती है तो भी ले सकते हो, आधा घंटे के बाद लगती है तो ले सकते हो। लंच करना जरूरी नहीं है, भूख लगी तो करना है। तो लंच में आपको फ्रूट्स खाने हैं, सलाड खाने हैं, आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो, अंकुरित खा सकते हो, आप रॉ वेगन मिल्क पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फिर स्नैक में आपको मुरमुरे खा सकते हैं, या फिर आप सलाड खा सकते हो, या फिर फ्रूट का जूस पी सकते हो, वेजिटेबल्स का जूस पी सकते हो, हरी पत्तियों का जूस पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और जो लास्ट का जो हमारा डिनर है, तो डिनर में आप उबली हुई सब्जी खा सकते हो, वेजिटेबल्स बना के सब्जी बना के खा सकते हो, टेस्टफुल मसालेदार सब्जी खा सकते हो, बहुत सारा सूप पी सकते हो। अनाज खाने की मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं अनाज नहीं खाती हूँ। अनाज छोड़ने के बाद बहुत फायदे हैं, गेहूँ छोड़ने के बाद, चावल छोड़ने के बाद, दाल छोड़ने के बाद बहुत फायदे हैं। तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि ये सब नहीं खाना है। तो लंच भी आ गया, डिनर भी आ गया, स्नैक भी आ गया, ब्रेकफास्ट भी आ गया, तो ये 8 आवर्स में कंप्लीट कर देना है। अब चाहे वो 1 बजे से 8 बजे तक करो, या 2 बजे से 9 बजे तक करो, या 3 बजे से 10 बजे तक करो, कोई भी टाइम आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन 8 घंटे में ही खाना है, 8 घंटे में ही पीना है। तो ये 24 आवर्स का फूड मैनेजमेंट हो गया। तो इतना सिंपल हमारी लाइफ है। हम तो क्या करते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी पीते हैं, कभी भी सोते हैं, कुछ टाइम टेबल देखते नहीं। सूरज उगता है अपने टाइम पे, हम कभी भी उठते हैं, पूरी दुनिया जाग जाती है, हम सोते हैं। पहले भी ऐसी कहावत थी कि जल्दी सो जाओ जल्दी उठ जाओ, हमारे जो भी पूर्वज थे वो भी ऐसा ही करते थे, लेकिन आज ये व्हाट्सअप है, ये फेसबुक है, ये टीवी है, इसमें सब उल्टा पुल्टा हो गया है। आज के जो यंगस्टर है वो पूरी रात तक या देर तक पिक्चर्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर्स देखते हैं और पूरी रात गवा देते हैं, और फिर सुबह में नींद आती है तो सुबह में फिर नींद करते हैं, जब उठते हैं तो बॉडी काम बरोबर करती नहीं है, फिर हमें मूड आता नहीं है, फिर हमें गुस्सा आता है, फिर पढ़ने का मन नहीं होता है, आलस आती है, पूरी दिन बर्बाद हो जाता है, और ऐसे करके हमारा शरीर बर्बाद हो जाता है, ऐसे करके हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमेशा टाइम टेबल रखना चाहिए, ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें कभी तकलीफ ना हो। तो मैं टोटली रो डाइट पे हूँ, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, जब भी मेरा 8 आवर्स का पीरियड होता है खाने में, तो मैं टोटली रो फूड खाती हूँ। संडे को कभी कभी चीटिंग कर लेती हूँ, लेकिन संडे चीटिंग में भी सिर्फ वेजिटेबल्स बॉईल करके ही लेती हूँ, और कुछ चीटिंग करती नहीं हूँ। तो आप भी ऐसी अगर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करोगे, कभी बीमार नहीं होगे, कभी आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी, कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, कभी रिपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा, कभी आपको मेनोपॉज का प्रॉब्लम नहीं सताएगा, माइग्रेन का प्रॉब्लम नहीं सताएगा, बीपी का प्रॉब्लम नहीं सताएगा। ये सिस्टम में कई कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें IBS है तो हम कच्चा खाते हैं तो हमें हजम नहीं होता है, वॉमिट हो जाती है, डायरिया हो जाता है। लेकिन आप एनीमा करोगे, एनीमा इज द मस्ट कंपल्सरी थिंग्स, एनीमा करोगे तो कभी बीमारियां नहीं आएगी, एनीमा करोगे तो IBS भी चला जाएगा। गलत जो भोजन खाया था, अनाज खाया था, जो मृत भोजन खाया था,
उसका हमें एनीमा करके क्लीनिंग कर देनी है। तो सुबह में उठते ही 3 बार एनीमा, रात को सोते वक्त 3 बार एनीमा। आईबीएस जैसा कुछ है ही नहीं, हमारे पेट में कचरा पड़ा है, 20 किलो कचरा डस्टबिन भर गया है, इसीलिए हमें आईबीएस हुआ है। तो आईबीएस हुआ हो या मोटापा हुआ हो, ओबेसिटी हुई हो, या आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती हो, या चश्मे के नंबर आ गए हो, या हेयर वाइट हो गए हो, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम होती हो, B12 कम हो गया है, B6 कम हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो ये सिस्टम एडॉप्ट करो। ये 24 आवर्स का मैनेजमेंट है, फूड मैनेजमेंट, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं टोटली रो डाइट पे हूँ, तो मैंने एक बार चौहान साहब हमारे गुरुजी को मैंने फ़ोन किया था कि मुझे सुबह में अगर 8 बजे जूस पीने का मन होता है तो मैं क्या पी लूँ, या 9 बजे मुझे एप्पल खाने हैं तो मैं खा लूं, या मुझे 10 बजे बनाना खाने हैं तो मैं खा लूं। तो चौहान साहब ने मुझे ये जवाब दिया कि ऐसा तो एनिमल्स भी करते हैं, मतलब कि गाय है, भैंस है, वो सुबह में उठते ही खाना खाने लगते हैं, तो उन वो भी पूरे दिन रॉ डाइट पे हैं, तो उनमें और हम में फर्क क्या है। अगर हमारी आध्यात्मिक लेवल हमें बढ़ानी है, हमें चैतसिक लेवल बढ़ाना है, हमारा आर्थिक लेवल बढ़ाना है, हमारा शारीरिक लेवल बढ़ाना है, हमें कुछ अपने आप इंटेलिजेंस प्राप्त करना है, ये इंटेलिजेंस जो है वो अपने आप कैसे निकालेगी, जब हमारे शरीर के अंदर नेचुरल डाइट होगा, जब हम कुदरत का डाइट लेंगे तभी हमारे शरीर में ये सभी चीजें आने लगेंगी। बाकी तो गाय और बकरी में और हम में फर्क क्या है, सुबह में उठते ही जूस पी लेंगे, सुबह में उठते ही फ्रूट खा लेंगे, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन हम में बुद्धि है, हम में नॉलेज है, हम में इंटेलिजेंस है, तो सुबह में उठते 8 घंटे निर्जला, फिर 8 घंटे हम पूरे दिन खा सकते हैं और फिर शांति से सो जाए, ऐसी नींद आती है कि डिप्रेशन नहीं आता है, नींद की दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। कई कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बच्चों के पास पांव दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, कमर दबाते हैं, सर दबाते हैं, तभी नींद आती है, दवाई खाते हैं तो नींद आती है, 1 ग्लास गर्म पानी पीते हैं तो नींद आती है, 2 ग्लास दूध पीते हैं तभी नींद आती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी लाइफ है हमारी, अगर ऐसी लाइफ को एडॉप्ट कर लोगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हम आपको दे रहे हैं ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्सपेरिमेंट है, खुद के ऊपर ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना इजी है। पहले की जो लाइफ थी मेरी वो बहुत ही हार्ड थी कि खाना बनाओ सुबह में, खाना बनाओ शाम को, खाना बनाओ रात को, पूरे दिन बच्चे मांगते रहते थे, ये पसंद है, वो पसंद है, ये नहीं पसंद, बाहर का लाना है, ये खाना खाने जाना है, ये खाना है, ये सभी दिमाग में से चला गया है। जब से हमने ये न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट किया है, जब भी भूख लगती है तो जूस पी लेते हैं, जब भी भूख लगती है सलाद खा लेते हैं, जब भी भूख लगती है फ्रूट खा लेते हैं, इतनी सरल लाइफ हो गई है। ये कुदरत का आशीर्वाद है कि हम सारे अडॉप्ट कर पाए हैं, मेरा फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड पूरे दिन 24 आवर्स काम करते हैं, फिर भी हम फुल फ्रूट पे और जूस पे और सलाद पे हम निर्भर करते हैं। तो ये जो आहार है वो कुदरत का बनाया हुआ आहार है, कुदरत का भोजन खाएंगे हमेशा स्वस्थता प्राप्त होगी। तो मेरी ये इच्छा है कि पूरी दुनिया जो है वो स्वस्थ हो जाए, तो आत्म कल्याण की भावना और पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ मैं ये वीडियो आपको बता रही हूँ कि आप भी स्वस्थ हो जाओ, खुश रहो, हमेशा सुखी रहो, आनंद में रहो, हेल्दी रहो, और हमारी वीडियो बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।